is, guys. Amazing. Sunset, bridge, river, और ये पूरा वैली. Awesome लग रहा है guys, awesome. Believe me. तो मैं पूरा नीचे से यहाँ से थोड़ा चढ़ के इधर आया हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ से कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है. पहले हम नीचे से ले रहे थे फ़ोटो, तो हमने सोचा कि ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ. और Hey guys, welcome back to the channel and I hope all of you are doing absolutely fine. So guys, finally आज हम लोग निकल रहे हैं एक और ट्रिप के लिए. तो आज अभी रात को हुआ है 1 बजे और हम लोग अभी निकल रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? ऑब्वियसली हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं. जाने वाले थे हिमाचल, लेकिन हिमाचल में एक्चुअली बेसिकली हमें कोई अच्छा होटल नहीं मिला. होली के लिए सब पैक था, तो इसलिए लास्ट मोमेंट में हिमाचल का प्लान कैंसिल करना पड़ा और उत्तराखंड में जा रहे हैं. बहुत सारे जगह क्रॉस करेंगे, बहुत सारी जगह जाएंगे, आपको दिखाएंगे. तो अभी वजह है रात के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, 1:45. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ताकि रात को काफ़ी जगह क्रॉस कर लें और सुबह सुबह पहुंच जाए वहाँ पे. और सब कुछ सामान वगैरह हमने गाड़ी में लोड कर लिया है. तो फटाफट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में हमने क्या क्या लोड किया है. और बहुत सारा मज़ा आने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार 2 गाड़ी जा रही है. एक नेक्सन ऑब्वियसली, और दूसरा पोलो भी जा रही है इस बार, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग मिलके इस बार जा रहे हैं. छोटा बेबी को भी साथ में ले के जा रहे हैं. ऑब्वियसली बहुत सारा मज़ा आने वाला है. तो आप लोग चैनल में जुड़ जाइए. अगर आप लोग इस चैनल में अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आगे और भी वीडियो जो आएंगे बहुत सारे जगह का. हम लोग कौसानी प्लान कर रहे हैं, अल्मोड़ा, बहुत सारा जगह प्लान कर रहे हैं. सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. और नीचे इंस्टाग्राम का आईडी है, उसमें फॉलो कर लीजिए. तो आपको लाइव बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी आप लोगों ने स्टोरी रील वगैरह देख लिया होगा. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस नए सीरीज़ को, उत्तराखंड की सीरीज़, जो कि ऑलमोस्ट 5-6 दिन, होली का पूरा दिन, सब कुछ इसी में कवर होगा. और आप लोग मज़ा कीजिए मेरे साथ और देखिए उत्तराखंड. चलिए गाइस, लेट्स गो. ऑल सेट गाइस. तो हमने यहाँ पे सूटकेस सब कुछ डाल दिया है, पूरा पैक हो गया. तो दिस कार्ड इज़ रेडी और बाकी सामान इसमें है. तो दिखा देता हूँ, ये भी पीछे पूरा फुल. तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी को और मिलता हूँ आप लोगों को रास्ते में. सो गाइस, हमने मीटर वगैरह कर दिया 0 पे सेट और अभी निकल रहे हैं हम लोग सोसाइटी से. रात के एग्जैक्टली बजाय अभी 2, तो 10 घंटा के आसपास दिखा रहा है अभी गूगल में. तो 10 घंटा मतलब रुक रुका के जाएंगे तो 12-13 घंटा लगेगा. तो होप सो कल रात को 11, कल सुबह 12-1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए हमें. तो अभी यहाँ पे मैप सेट कर देते हैं और इसके बाद फटाफट निकलते हैं. सो गाइस, यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा एक जाम में फंस गए हैं. पता नहीं कौन सा, ये मुरादाबाद से आगे है. तो ये देखिए आगे एक और हमारी गाड़ी और पीछे ये हम. तो ये पता नहीं क्या जाम है, पता नहीं. देखिए इतना देर से ख़तरनाक जाम लगा हुआ है, 10-15 मिनट से एकदम स्टैंड स्टिल. ना आगे जा रही है गाड़ी, ना पीछे जा रही है, ना क्या हो रहा है पता नहीं. अब ये देखो भाई साहब, एक लाइन उधर से जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, बीच में आके इन्होंने अपना गाड़ी घुसा दिया है. और इन जैसे लोगों के लिए साला आगे जाम होता है. तो गाइस, पेट्रोल टैंक फ्यूल अप करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं. देखते हैं, शायद बंद है, कोई दिख नहीं रहा है. सो गाइस, पेट्रोल पंप चालू हो गया है और अभी हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं, करते हैं फुल टॉप अप और फिर निकलते हैं. भैया पेट्रोल फुल कर दो, नॉर्मल वाला. कितना रेट है? 95.88. तो यहाँ पे डलवाते हैं पेट्रोल, करते हैं फुल. 95 रेट है तो दिल्ली के इक्वली है, मतलब दिल्ली में भी 95 है, इधर भी 95 ही है. सो गाइस, हम लोग आ गए कश्मीर में.
मजाक कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कोहरा ऐसा है ना कि लग रहा है जैसे हम कोई एकदम दिसंबर या जनवरी महीने में आप कश्मीर आ गए हो। खतरनाक भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा है क्या? गूगल आंटी कुछ बोलती है बीच बीच में जो हमें समझ में आता नहीं है, तो हम जाएंगे मिडिल से, पास होल्डर्स, घंटा पास होल्डर्स, हम निकल जाएंगे मिडिल से। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए उस उडुपी वाला में, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो उडुपी वाला रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे फटाफट ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। चलिए मेरे साथ अंदर, मैं दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट क्या मिलता है, कैसा है, फिर बिना टाइम वेस्ट के आगे निकलेंगे। ऑलरेडी 9:20 हो गया है, तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, रानीखेत जाते वक्त रास्ते में आता है एक जगह में, ऐसे ही रुक गए हम लोग। यहाँ पीछे देखिए मेरे, इतना बढ़िया सा सीनारी है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट गाड़ी लगा के, ये दोनों गाड़ी हम यहाँ पे लगा दिए हैं और बस उतर के थोड़ा जो फ्रेश एयर है उसका थोड़ा मज़ा ले रहे हैं। एसी उसी बंद कर दिया, अभी गाड़ी का ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, कौसानी जाने के लिए जो बेस्ट रूट, हमने बहुत जगह में बहुत सारे लोगों को पूछा था, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों ने जो बोला है, तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से मुरादाबाद, बिलासपुर, रामपुर, रुद्रपुर होके, हल्द्वानी होके, काठगोदाम होके, फिर एक जियोलीकोट बोल के जगह आता है, जियोलीकोट होके, रानीबाग होके, आप रानीखेत होके निकल जाओ, ठीक है। तो उस रूट से क्या होता है कि थोड़ा रास्ता अच्छा है और भीड़ कम होता है। एक और रूट है जो अल्मोड़ा होके जाता है, तो उसमें क्या होता है, अल्मोड़ा वाले रूट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उसमें आपको रास्ता भी उतना सही नहीं है जो मुझे लोगों ने बताया, तो इसलिए वो रास्ता हमने अवॉइड किया, हम रानीखेत होके जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से और 3 घंटा अप्रोक्सीमेट है हमारा जो रिजॉर्ट है कौसानी में, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में और ड्राइविंग करने में, पहाड़ी में तो अलग मज़ा है। होप सो आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी वीडियोज़ आएंगे उत्तराखंड के, हिमाचल के बहुत सारे। तो चलिए देखते रहिए वीडियो को, आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए कैची धाम। सो दिस इज कैची धाम गाइज। तो कैची धाम मंदिर है, प्रणाम कर लेते हैं, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिएगा। अभी नहीं अंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर रिटर्न के टाइम में ही से गए तो पक्का अंदर जाके दर्शन करेंगे। सो गाइज यहाँ पे अभी एक होटल मिला है हमें, सैनिक होटल बोल के, तो अभी फटाक से हमें दिख गया यहाँ पे पीछे है, और पार्किंग भी मिल गया, 2 लाख हमें भी मिल गया और हमारे आगे इस गाड़ी को भी मिल गया है। तो फटाक से अभी जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, भूख लग रहा है, और ज़्यादा दूर नहीं है, 70 किलोमीटर बस बचा है कौसानी, तो फटाफट पहुंच जाएंगे अभी विद इन कितना, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे।
अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं अराउंड 30 किलोमीटर्स बिफोर कौसानी। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी जगह दिखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे रुकते हैं और आपको ये वैली दिखाते हैं। तो जस्ट देखिए आप, सी दिस वैली गाइस, इतना बढ़िया लग रहा था ना यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ से आ रहा था रास्ते से, तो मुझे ये दिखा, तो पूरा ये पहाड़ और ये पूरा एक वैली टाइप का आपको दिखेगा। ऑसम, व्हाट ए व्यू। तो चलो आप लोग थोड़ा व्यू को एंजॉय करो, और तब तक मैं भी थोड़ा फोटो शोटो खींचता हूँ और इंस्टाग्राम में रील वगैरह पोस्ट वगैरह डालता हूँ। सो होप सो गाइस ये व्यू आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया सब कुछ कवर करने की, और फोटोज़ वगैरह ज़रूर चेकआउट कर लेना इंस्टाग्राम में, रील्स वगैरह उत्तराखंड के फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे देख लेना। अभी चलिए चलते हैं आगे, गोगास रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज है, सुना है कि वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है, तो चलिए उसको चेकआउट करते हैं और फिर चलते हैं रिजॉर्ट की ओर। गाइज तो बस आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्यू एक स्पेशल लोकेशन से। तो पहले में हम लोग वहाँ पे नीचे खड़े थे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट चढ़ के इधर ऊपर चढ़ा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा सीनरी दिखा पाऊँ। तो ये देखिए गाइज अभी कैसा लग रहा है यहाँ से, जस्ट सी दिस गाइज, अमेजिंग सनसेट, ब्रिज, रिवर और ये पूरा वैली, ऑसम लग रहा है गाइज, ऑसम बिलीव मी। तो मैं पूरा नीचे से यहाँ से थोड़ा चढ़ के इधर आया हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ से कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है। पहले हम नीचे से ले रहे थे फ़ोटो, तो हमने सोचा कि ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, और जस्ट सी दिस, यू विल लव दिस गाइज, यू विल लव दिस अमेजिंग व्यू। होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये व्यू, अगर अच्छा लगे तो गाइज एक लाइक ज़रूर दबा देना, और सब्सक्राइब करना अगर कोई यहाँ पे आता है उसको देखना है कौसानी वगैरह, तो उसको भी हेल्प हो जाए। तो चलिए गाइस आप लोग व्यू को एंजॉय करिए और फिर यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट रिजॉर्ट में। तो कौसानी में अभी कितना बज गया, 6:15 को, ऑलमोस्ट 6:30 बजे हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग कल रात 2 बजे निकले थे और आज 6:30 बजे तक पहुंच गए, मतलब आप मान सकते हो 15-16 घंटा हमें लग गए। लेकिन ठीक है, दो दो बच्चे साथ में है और एक तो बहुत छोटा बेबी है हमारा, 4 महीने का, उसको लेके हम इतना दूर आए हैं और मतलब बिना कोई परेशानी के हम पहुंच गए, दैट इज़ अ बिग थिंग। तो फिलहाल हम होटल में आ गए हैं, द होटल इज ऑसम, रिजॉर्ट एक्चुअली रिजॉर्ट इज ऑसम। इन फिलहाल मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ, एंट्री के बाहर में एक बार दिखा दो, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ बैठने के लिए जगह है, अगर आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हो और यहाँ पे भी आप नाश्ता डिनर वगैरह कर सकते हो। देन इट्स ए ह्यूज रूम, बहुत ही बड़ा सा एक रूम है, यहाँ पे बैठने के लिए अगेन यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह है, अगर आप यहाँ पे भी चाहो तो डिनर वगैरह सब कुछ यहीं पे कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली दिस बिग रूम, देयर इज अ बिग, दिस इज अ बिग रूम जो हमने लिया है, आई थिंक डिलक्स और सुपर डिलक्स रूम है, और यहाँ पे एक टीवी भी दिया हुआ है और ऊपर फैन भी है, और बाकी यहाँ पे स्टोरेज के लिए जगह दिया हुआ है, आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लाइट्स दिए हुए हैं, और वॉशरूम जो है, वॉशरूम इज ऑल्सो क्वाइट बिग एंड सिंपल, आप देख लो। सो वॉशरूम इज ऑल्सो गुड और क्वाइट वो भी है, मतलब क्लीन और हाइजेनिक भी है, तो उस हिसाब से अच्छा है। सो दैट्स इट। तो मेन थिंग, जो मेन USP है इस रिजॉर्ट का, वो है आउटसाइड व्यू, जो मैं आपको कल दिखाऊंगा, एंड दैट इज़ ऑसम। ठीक है, हम लोग अभी जस्ट शाम होने से पहले पहुँचे, तो हमने एक बार बाहर देख लिया, बहुत ही बढ़िया है,
नीचे बैठने का, घूमने का, पार्क वगैरह सब कुछ है, तो ऑल इज़ फैंटास्टिक। कल मज़ा आएगा, कल यहाँ पे हम थोड़ी देर सुबह बैठेंगे फिर घूमने निकलेंगे, तो उस टाइम में मैं आपको एक पूरा टूर दे दूंगा जो कि एपिसोड 2 होगा। अभी फिलहाल आप एपिसोड 1 देख रहे हैं, जो दिल्ली से हम निकले थे और यहाँ पे आके पहुंचे। तो होप सो गाइस, ये वीडियो अभी तक आपने देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको एक लाइक बटन दबा देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी सीरीज और वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलते हैं कल एक फ्रेश ब्लॉग में, एपिसोड 2 में। तब तक के लिए कीप बिलीविंग योर पैशन एंड कीप चेसिंग योर ड्रीम्स गाइस। सी यू सून टुमारो इन एन फ्रेश न्यू एपिसोड। सो ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।